गाइस, आपको पता है कि यार बारकोड मैकर स्कैन क्या होता है? अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर समझो बेड़ा गर्क है। खत्म। तो आओ यार शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम साहिल है और आप देख रहे हैं सन की फैक्ट्स। तो गाइस, जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बारकोड के बारे में बताना चाहूँगा। बारकोड का जो शुरुआत है वो 1951 में नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड ने बनाया था, पर इसको कमर्शियल यूज़ होने में कम से कम 20 साल लग गए थे। और आपको एक फैक्ट की बात बताऊं, ब्रिटिश रेलवे ने जो बारकोड ट्रेडिंग सिस्टम होता है इसका, उसको इतना एक्यूरेट कर लिया था कि कोई भी चीज़ जैसे कि 100 मील प्रति घंटे से भी चल रही है ना, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चल रही है, तो उसके ऊपर भी अगर कोई बारकोड लगा होगा तो वो उसको भी स्कैन कर लेगी। समझो इतना तेज बना लिया था उसने, ब्रिटिश रेलवे ने इसको इतना तेज बना लिया था। गाइस, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि बारकोड मैकर स्कैन क्या होता है, तो मुझे पहले तो लगता था कि बारकोड जो होता है उसमें जो नंबर होते हैं ना वो स्कैन होता है, पर बाद में मुझे पता चला कि नंबर्स नहीं स्कैन होते, बल्कि उनके जगह नंबर्स के बीच में जो जगह होती है ना, जो स्पेस होती है, वो स्कैन की जाती है। मतलब तो गाइस सोचो, मतलब आज तक मेरा जीवन झूठ में चल रहा था। और गाइस आप कमेंट करके बताना कि आपका जीवन भी झूठ में चल रहा था कि आपको ये फैक्ट पता था। तो गाइस ये थी वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना जो इस तरह के फैक्ट्स जानने में ट्रस्टेड हो। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।